अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं। मेरा नाम राय नूर है और मैं आपको अपनी क्लास में वेलकम करता हूँ। इससे पहले वाले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.6 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 पढ़ चुके हैं। और आपको पता है कि एक्सरसाइज 4.6 में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है जी रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड द कोफिशेंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो जिसमें हमने सम ऑफ रूट्स पढ़ा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पढ़ा अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। अब इस लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 जो है वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन 4 देखें तो 4 की जो स्टेटमेंट है वो है कि इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेजन एक्स स्क्वेयर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो डिफर बाई यूनिटी प्रूव दैट पी स्केयर इज इक्वल टू 4q+1। बड़ा इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आए इसको स्टार्ट करते हैं। हम देखें इक्वेजन हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू माइनस पी है और सी की वैल्यू क्यू है। तो यहाँ पर रूट्स हम लेट कर लेते हैं कि लेट अल्फा एंड अल्फा माइनस 1 आर इट्स रूट्स, क्योंकि उसने बोला है कि इसकी जो रूट्स हैं उनका जो डिफरेंस है वो 1 है, डिफर बाय यूनिटी, यूनिटी मीन 1। तो आप इसमें से अल्फा में से इसको माइनस करें तो देखिए आंसर 1 आता है। अल्फा माइनस वन करें अल्फा माइनस अल्फा प्लस 1, तो इसका आंसर जो है वो 1 आ रहा है। तो ये हमारी करेक्ट यानी कि रूट्स हमने लेट कर ली हैं। अब चलते हैं जी, इन दोनों रूट्स को यूज़ करते हुए हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के जो फार्मूले हैं वो यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले सम ऑफ रूट्स तो अल्फा प्लस बीटा होता है, तो यहाँ पर बीटा की वैल्यू अल्फा माइनस 1 है जो कि इक्वल होगी माइनस बी ओवर ए। तो ये आ जाएगा 2α-1 माइनस बी की वैल्यू है माइनस पी और ए की वैल्यू है 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2α-1 इज इक्वल टू पी, यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालें तो पी प्लस 1 और अल्फा इज इक्वल टू पी प्लस 1 ओवर 2। ओके, अब चलते हैं हम इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की तरफ। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में देखें तो अल्फा इंटू अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू सी ओवर ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अल्फा की ये जो वैल्यू है ये रिप्लेस कर दें। ओके, तो अल्फा की जगह पे लिखें पी प्लस 1 ओवर 2 और पी प्लस 1 ओवर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू सी की जगह पे क्यू ओवर 1। क्लियर, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा पी प्लस 1 ओवर 2, इस कैल्शियम लिया पी प्लस 1 माइनस 2 ओवर 2 इज इक्वल टू क्यू, यहाँ से बचेगा पी प्लस 1 ओवर 2 और पी माइनस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू क्यू। ओके, माइनस 2 प्लस 1 जो है ये माइनस 1। तो इसको देखिए आप, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ तो पी प्लस 1 को पी माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा, ये पी स्क्वेयर माइनस 1 ओवर 2 × 4 इज इक्वल टू क्यू। तो मैं इसको लिख सकता हूँ पी स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 4q और पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4q+1। तो देखें यही रिजल्ट हमने प्रूव करना था, पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4q+1। तो यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसको एक नज़र दोबारा देख लें आप, बोर्ड के जो है ना वो इस लाइन से इधर इधर ये सारा क्वेश्चन है, ये बोर्ड ज़रा ख़राब है तो इसलिए यहीं से हमने काम चलाना है, काम करना है। ओके, ठीक है बेटा, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे।
क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा लिखा हुआ है कि फाइंड द कंडीशन दैट ए ओवर एक्स माइनस ए प्लस बी ओवर एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 5 may have roots equal in magnitude but opposite in signs. ठीक है, but opposite in signs. ये question की statement है. ले जी स्टार्ट करते हैं इसका सलूशन. देखें, हमने एक ऐसी कंडीशन फाइंड करनी है जिसकी रूट्स मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हैं लेकिन ऑपोजिट इन साइन है. तो हम इसकी रूट्स अल्फा और माइनस अल्फा लेट कर लेंगे. ऑपोजिट इन साइन है अल्फा और माइनस अल्फा लेकिन मैग्नीट्यूड में इक्वल है. माइनस अल्फा की जो मैग्नीट्यूड है वो भी अल्फा ही होगी. तो सबसे पहले तो जो इक्वेशन दी हुई है ना, इसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाएं, इसकी एलसीएम वगैरह लिखें. ए ओवर एक्स माइनस ए प्लस बी ओवर एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 5. पहले एलसीएम दिया तो एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए कैंसिल होगा और एक्स माइनस बी ए से मल्टीप्लाई होगा. ए इंटू एक्स माइनस बी और प्लस बी इंटू एक्स माइनस बी से कैंसिल होगा और एक्स माइनस ए बी से मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू 5. अब ए को अंदर मल्टीप्लाई करें, बी को मल्टीप्लाई करें और नीचे जो ये दोनों फैक्टर्स हैं, दोनों जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनको मल्टीप्लाई करें पहले. तो ये हो जाएगा ए एक्स माइनस ए बी प्लस बी एक्स माइनस ए बी ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 5. ओके, अब देखें तो इसके नीचे 1 है और दरमियान में इक्वल है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 1 को इधर मल्टीप्लाई करें ये वैसे ही रहेगा और इस पूरी वैल्यू को उठा के 5 से मल्टीप्लाई कर लें. यहाँ पर आप देखें तो ए एक्स प्लस बी एक्स किया और माइनस ए बी और माइनस ए बी को ऐड कर लें तो माइनस 2ab. इसके बाद इस 5 को इन सब से मल्टीप्लाई करके लिखें तो यह आ जाएगा 5x स्क्वेयर माइनस 5bx माइनस 5ax और प्लस 5ab. ओके, इस 5 को मैंने सब के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. अब ये करना है कि इसको उठा के आप इस साइड पे ले जाएं. ठीक है, तो इधर 0 हो जाएगा या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5x स्क्वेयर माइनस 5bx माइनस 5ax प्लस 5ab माइनस ax माइनस bx प्लस 2ab इज इक्वल टू 0. तो इस सब को मैं उठा के उधर लेकर गया तो इसके जो साइन है वो चेंज हो गए और इज इक्वल टू 0 आ गए. इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करते हैं तो मैं ये यहाँ पे लिख देता हूँ. देखें 5x स्क्वायर माइनस 5ax और माइनस ax कितना होगा, माइनस 6ax माइनस 5bx और माइनस bx माइनस 6bx और प्लस 2ab और 5ab जो है प्लस 7ab इज इक्वल टू 0. अब देखें 5x स्क्वेयर इन दोनों में से माइनस 6 और x भी कॉमन है तो a प्लस b ब्रैकेट में लिख देता हूँ और x जो है वो बाहर लिख लेता हूँ. ठीक है, तो प्लस 7ab इज इक्वल टू 0. तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है ना, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक जो है उसकी फॉर्म बना ली हमने. तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो आपको पता है कि 5 होता है. एक्स का जो कोफिशिएंट है वो b है माइनस 6 इंटू ए प्लस बी और जो c की वैल्यू है वो है जी 7ab. ठीक है, अब आप लेट करें कि लेट अल्फा एंड माइनस अल्फा आर इट्स रूट्स. ओके, अब इसको हमने यूज़ करना है
और आगे चलते हैं हम। यहाँ तक आप देख लें क्वेश्चन एक दफ़ा दोबारा। ठीक है बेटा, अब मैं इसको रेज करता हूँ। इसको भी रेज कर लेते हैं। देखें अल्फा और माइनस अल्फा आर इट्स रूट्स। सबसे पहले सम ऑफ रूट्स, तो अल्फा प्लस माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस अल्फा। बी की वैल्यू क्या है? माइनस सिक्स इंटू ए प्लस बी। ए की वैल्यू क्या है? फाइव। ये कैंसिल हो गया, जीरो माइनस माइनस प्लस सिक्स इंटू ए प्लस बी ओवर फाइव। फाइव इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा जीरो से, तो जीरो बन गया। सिक्स इंटू ए प्लस बी, सिक्स इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। तो यही हमारी वो फाइनल कंडीशन है। देखें कंडीशन में हमने अल्फा को एलिमिनेट करना होता है, अल्फा को अपने ख़त्म करना होता है। तो यहाँ पर जब मैंने सम ऑफ रूट्स ही निकाला तो उसमें ही अल्फा ख़त्म हो गया, तो अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। ओके, ठीक है बेटा, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सिक्स पे। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही है, और एक ही पैटर्न के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स की स्टेटमेंट है कि इफ द रूट्स ऑफ पी एक्स के प्लस क्यू एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो आर अल्फा एंड बीटा, देन प्रूव दैट अल्फा ओवर बीटा स्क्वेयर रूट प्लस बीटा ओवर अल्फा स्क्वेयर रूट प्लस क्यू ओवर पी स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्वेश्चन हमने प्रूव करना है। ठीक है, देखिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है, सही है, और लॉन्ग क्वेश्चन है ये। देखें हमारे पास जो इक्वेशन है वो है पी एक्स के प्लस क्यू एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर ए की वैल्यू p है, b की वैल्यू q है, और c की वैल्यू जो है वो q है। तो मैं लिखता हूँ लेट अल्फा एंड बीटा आर इट्स रूट्स। ओके, आर इट्स रूट्स। देखें तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी? माइनस बी ओवर ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्यू है ओवर ए, तो इसको मैं इक्वेशन वन कह लेता हूँ। ओके, अब है जी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है? अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए होता है, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्यू ओवर पी। सी की वैल्यू क्यू है और ए की वैल्यू जो है वो पी है, इसको मैं इक्वेशन टू कह लेता हूँ। ओके, अब आप देखें तो जो हमने प्रूव करना है रिजल्ट, उसमें स्क्वेयर रूट आ रही है, स्क्वेयर रूट अल्फा ओवर बीटा, इसमें भी स्क्वेयर रूट है, इसमें भी स्क्वेयर रूट है। तो इन दोनों इक्वेशंस को हमने इस तरह से सॉल्व करना है कि ये वाली, मतलब ये प्रूव हो जाए। तो अगर मैं इस इक्वेशन टू का स्क्वेयर रूट लूँ और इक्वेशन वन को इससे डिवाइड कर दूँ तो फिर कोई सेंस बनती है। अब इसका स्क्वेयर रूट नहीं ले सकते हम, क्योंकि इधर माइनस वैल्यू है, तो ये इसको स्क्वेयर रूट में माइनस वैल्यू आ जाए तो वो कम्प्लेक्स हो जाता है। तो मैं इसका जो है ना दोनों तरफ स्क्वेयर रूट लेता हूँ, अल्फा बीटा स्क्वेयर रूट और इक्वल टू क्यू ओवर पी स्क्वेयर रूट, इसको मैं इक्वेशन थ्री कह देता हूँ। अब डिवाइड करते हैं इक्वेशन वन को इक्वेशन थ्री से।
डिवाइड इक्वेशन वन बाय इक्वेशन थ्री। तो अब आपने लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करना है और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा स्क्वेयर रूट और माइनस क्यू ओवर पी स्क्वेयर रूट। देखें लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड किया और राइट हैंड साइड को माइनस क्यू ओवर ये पी है, ए की वैल्यू पी है। ओके तो माइनस क्यू ओवर पी को मैंने स्क्वेयर रूट क्यू ओवर पी से डिवाइड किया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या मैं इसको अलहदा अलहदा भी लिख सकता हूँ? तो ये हो जाएगा अल्फा ओवर अल्फा बीटा स्क्वेयर रूट प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू। अब देखें तो ऊपर वाला जो क्यू ओवर पी है उसको आप दो दफ़ा स्क्वेयर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा क्यू ओवर पी स्क्वेयर रूट और क्यू ओवर पी स्क्वेयर रूट ओवर क्यू ओवर पी स्क्वेयर रूट, ठीक है ना। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू ओवर पी स्क्वेयर रूट का होल स्क्वेयर आएगा, तो स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको कैंसिल कर लें। ओके अब आप जो है इस अल्फा को दो दफ़ा स्क्वेयर रूट में लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वेयर रूट और इसको अलहदा अलहदा लिखें अल्फा स्क्वेयर रूट और बीटा स्क्वेयर रूट, इसी तरह बीटा स्क्वेयर रूट और फिर बीटा स्क्वेयर रूट, ये आ जाएगा अल्फा स्क्वेयर रूट फिर बीटा स्क्वेयर रूट और इसको उठा के आप बल्कि एक दफ़ा ऐसे ही लिखा रहने दें माइनस क्यू ओवर पी स्क्वेयर रूट, आप राइट साइड पे ही लिखा रहने दें। अब आप देखें इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ और ये भी कैंसिल हो जाएगा, सेम वैल्यू है। ओके तो अब क्या वैल्यू बच गई, यहाँ पे लिख लेता हूँ आपके पास ये बच रहा है अल्फा स्क्वेयर रूट ओवर बीटा स्क्वेयर रूट प्लस बीटा स्क्वेयर रूट ओवर अल्फा स्क्वेयर रूट, और ये जो है इसको उठा के आप इधर ले आए लेफ्ट साइड पे तो क्यू ओवर पी स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू जीरो। तो इसको देखें तो मैं कंबाइन भी स्क्वेयर रूट में लिख सकता हूँ, तो ये आ जाएगा आपके पास अल्फा ओवर बीटा स्क्वेयर रूट प्लस बीटा ओवर अल्फा स्क्वेयर रूट प्लस क्यू ओवर पी स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू जीरो। तो देखें यही रिजल्ट जो है वो हमने प्रूव करना था। तो यहाँ तक जो है ये क्वेश्चन हमारा जो सिक्स है वो कंप्लीट होता है। इसको इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, आप इसको लिखें और उम्मीद है कि आप ये कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक ये वीडियो जो है वो हमारी कंप्लीट होती है। तो इसको पढ़ें आप और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। ओके और ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।